नमस्कार, मैं रेणुका, KP24 न्यूज में आपका स्वागत है। लता मंगेशकर के जाने से अभी देश उभरा भी नहीं था कि जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर बप्पी लहरी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बप्पी लहरी पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में चल रहा था। बप्पी लहरी का जन्म 17 नवम्बर 1952 में कोलकाता में हुआ था। इनके माता पिता भी जाने माने सिंगर थे। बप्पी लहरी ने 3 साल की उम्र से ही तबला बजाना शुरू किया। बप्पीदा को फिल्म जख्मी से पहचान मिली। फिल्म जख्मी में बप्पीदा ने गाना कंपोज किया और उसे गाया भी था। इस फिल्म के बाद बप्पीदा को फिल्में मिलनी शुरू हुई और वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना कमाल दिखाने लगे। बप्पी लहरी जितना अपने संगीत की वजह से लोकप्रिय थे, उतना ही वे अपना सोना पहनने की वजह से भी मशहूर थे। बप्पी लहरी का कहना था कि सोना ही मेरा भगवान है और इसलिए लोग उन्हें गोल्डन मैन भी कहते थे। सच में आज इंडस्ट्री ने एक टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर को खो दिया है। देखते रहिए मेरे साथ KP24 न्यूज़। मैं रेणुका, मुंबई। नमस्कार।